अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों से फाइनली एक बात करने आई हूँ। मैं जिंदगी से बहुत थक गई हूँ यार। जब मुझे अपनों की जरूरत थी तब अपनों ने मेरा साथ छोड़ा। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैंने कोशिश की मीडिया पे आके अपने बच्चों के लिए कुछ कर लूं, तो मेरे रिश्तेदार चारों तरफ से कुत्ते की तरह भौंक रहे, मुझे जहनी तौर पर बड़ा डिस्टर्ब किया हुआ। एक ही ताने दे रहे हैं कि हाँ तेरा शोहर तुझे यहाँ पहुंचा देगा, तुझसे भीख मंगवाएगा, 100 रुपए के भी नहीं, 50 के पीछे। ऐसा नहीं है यार, हर वक्त हालात साथ नहीं देते। मैं थक चुकी हूँ जिंदगी से। मेरा दिल चाहता है कि मैं खुदकुशी कर लूँ। मैंने बहुत मेहनत की। मैंने YouTube पे बिल्कुल इसीलिए नहीं आई थी कि मैं कोई अपना नाम कमाऊं, मैं कोई शोहरत हासिल कर लूं। ना मेरी माँ, ना मेरा बाप, ना मेरा भाई, ना मेरी बहन, ना मेरे रिश्तेदार, मैं अकेली हूँ जो कि इधर की भी बातें सुनूं, उधर की भी बातें सुनूं। मैं थक गई हूँ। मुझे आप लोग की हिम्मत दो कि मैं क्या करूं। मैं बहुत थक गई हूँ अपनी जिंदगी से। बाहर की टेंशन लूँ, घर की टेंशन लूँ, जॉब की उसकी टेंशन लूँ, महंगाई की टेंशन लूँ, मैं किस किस की टेंशन लूँ, मैं अपने रिश्तेदारों की बातें सुनूँ। मेरे रिश्तेदार ऐसे बोल रहे हैं कि तू 150 के पीछे ऐसे ऐसे करोगी। मैं बहुत मेहनत की थी। मैंने दो दो चैनल बनाए, मैंने लिंक लगवाए, मैंने पैसे दिए कि मैं दुनिया की बातें नहीं सुनूं, मैं अपनी मेहनत करूं, अपना कमाऊं, अपना कहूं। कभी उसकी बातें सुन ली, कभी शोहर की बातें सुन ली, कभी घर वालों की बातें सुन ली, कभी भाइयों की बातें सुन ली, कभी रिश्तेदारों की बातें सुन ली, कभी बाहर वालों की बातें सुन ली। मेरे दो छोटे छोटे बच्चे बहुत बार खुदकुशी करने की कोशिश भी की, पर बोला मुझे जिंदगी दे देता है, इसमें मेरा कसूर नहीं है। मुझसे मेरे रिश्तेदार, मेरे भाई क्यों जलते हैं? मैं कौन सी वायरल हो गई हूँ? मुझे कौन सी यहाँ से कौन सी मुझे अर्निंग हो रही है? मुझे कुछ भी नहीं हुआ है यहाँ से आके। मैंने अपने आप को आके इतना वीडियोस बनाए हैं, बहुत मेहनत की है, बहुत स्ट्रगल की है, पर मुझे यहाँ से कुछ मिल नहीं रहा है कि मुझसे जल रहे हैं और मुझे गंदी गंदी गालियाँ दे रहे हैं। मुझे यहाँ से कुछ भी नहीं मिला है। मैं उन्हीं के लिए वीडियो बना रही हूँ जो मुझसे जलते हैं, जो मुझे 150 के ताने देते हैं। मैं उनको बताना चाह रही हूँ कि मुझे यहाँ से कुछ मिलता नहीं है, ना मुझे मिला है कि तुम लोग मुझे इतनी बातें सुना रहे हो कि तेरा शोहर ऐसा है कि तुझे 150 के पीछे कहेगा तू अपने आप को बेच दे। मैं किसके लिए नहीं कह रही हूँ कि कोई मेरा हमदर्द है, कोई मेरा सच्चा है, कोई रिश्ते, मेरे रिश्तों में बहुत सारी कुर्बानियाँ दी, पर मेरा कोई भी नहीं है। मुझे इतना पता है कि मेरा इस दुनिया में ना कोई
मैंने रिश्तों में बहुत कुर्बानियां दी है, पहले अपने घर वालों के लिए, फिर ससुराल में आई, देवरानी देवर लड़ते थे, उनको इतना सुनाते थे, फिर भी बात खत्म करके उनके घर जाते थे। बहुत सारी कुर्बानियां दी है। फिर कुछ लोग हैं जो मेरी बेटी पढ़ रही है, अच्छा उनके पीछे पड़े रहते हैं, उनको दिन रात टॉर्चर करते हैं, फिर बेटी के लिए मुझे खड़ा होना पड़ता है, मेरी छोटे छोटे बच्चे हैं उनके पीछे लोग पड़े हुए हैं, मैं थक गई हूँ अपनी जिंदगी से। कभी किसी की बातें सुनूं, मैं यहाँ मीडिया पे शौक से नहीं आई हूँ अपने आप को दिखाने के लिए, अपने अब मुझे हालातों ने मजबूर किया है तो मैं आई हूँ, मुझे कोई शौक नहीं है यहाँ पे आने का। मेरे रिश्तेदार मुझसे क्यों चलते हैं, मैंने उनको अपनी जायदाद दी, अपना घर दिया, अपना माँ बाप का हिस्सा दिया, सब कुछ, मैंने कुछ नहीं लिया था उनसे, मैंने हत्या की जहेज भी नहीं लिया था अपने भाइयों से, फिर भी मेरे पीछे पड़े हुए मुझे मारने की धमकियां दे रहे हैं कि सोशल मीडिया पे आने से पहले हम आपको मार के जाएंगे। तो मुझे जो भी देख रहा है मैं उनसे अपील करूंगी कि मेरी बात सुनी जाए, मेरे भाइयों को एक बार बुला के उनको उनको समझा दे कि तुम लोगों ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा है, मुझे जीने दो, नहीं तो मैं खुद को मार दूंगी, उसमें के जिम्मेदार मेरे रिश्तेदार और मेरे भाई है, और मैं खुद को मार भी दूंगी, मैं अपने बच्चों को भी नहीं देखूंगी, मैं थक चुकी हूँ, मैं जहनी तौर पे बहुत डिस्टर्ब हो चुकी हूँ, मैं खुद को मार दूंगी, और इसके जिम्मेदार मेरे भाई और मेरे रिश्तेदार हैं जिन्होंने दिन रात मुझे टॉर्चर किया हुआ है कि 250 के पीछे गंदा गंदा काम करेगी, मैं अगर गंदा गंदा काम करती तो मैं कभी भी सोशल मीडिया पे आगे इतनी मेहनत नहीं करती, मैं थक चुकी हूँ, मैं दुनिया की बातें सुन सुन के थक चुकी हूँ, ना मेरा माँ, ना मेरा बाप, ना मेरा भाई, ना मेरा बहन, ना मेरा कोई मैं बहुत थक चुकी हूँ अपनी जिंदगी से, अब मैं उन रिश्तेदारों को, उन भाइयों को बोलती हूँ, खास करके मेरी वीडियो उनके लिए जो मुझसे जलते हैं, मैं उनको बताना चाह रही हूँ मुझे यहाँ से कुछ मिल नहीं रहा है, जो तुम लोग मेरे पीछे पड़ रहे हो, दिन रात मुझे टॉर्चर कर रहे हो, मुझे यहाँ से कुछ नहीं मिल रहा है, मैं जितनी मेहनत करती हूँ मुझे अभी कुछ नहीं मिला है कि तुम लोग इतना जलते हो मुझसे और मुझे मारने की धमकियाँ दे रहे हो, मैं खुद खुदकुशी कर लूँगी, उसके जिम्मेदार मेरे भाई मेरे रिश्तेदार हैं जिन्होंने मुझे दिन रात टॉर्चर किया है, मैं थक चुकी हूँ अपनी जिंदगी से। Ha ha ha.